गाइस एक चीज दिखाऊं आपको, ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं ना, मतलब जन्नत जन्नत। ये चेक करो गाइस, फिलहाल सुबह के 4 बज चुके और लाइन लग चुकी है और हम लोग कहाँ पे हैं, तो इतने दूर और हमारे पीछे भी है लाइन, ये थोड़ी बहुत ही है। तो गाइस तो हम लोग लग चुके हैं यहाँ पे लाइन में, और लाइन तो भाई इतनी लंबी है। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे गाड़ी से, वो भी किनकी। हेलो दा, बढ़िया। हेलो हेलो ब्रो, हेलो दा, हेलो भाई। सो गाइस अभी फिलहाल रात के बजे हैं 12 और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधे कैची धाम मंदिर की ओर। आज है बाबा जी का जन्म दिवस, तो वहाँ मेला लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे कैची धाम के लिए। और अभी हम है इतने लोग और एक हिमांशु दा हमारे, वो भी आ रहे हैं, बात हो रही है उनसे, वो आ रहे नहीं आगे से। सो गाइस हम लोग फाइनली निकल चुके कैची धाम के लिए और हमारे साथ दो मेंबर और जुड़े हैं, अजय दा और हिमांशु दा। हेलो दा, तो अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं भुजिया घाट और एकदम तड़े ढंग से जा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं और आपसे आगे कई अच्छी जगह पे मिलते हैं, आगे आगे जाके आप मिलते हैं थोड़ी देर में। हम सोचेंगे मैं यहां भाग गया या अगर कहीं पे बात लग गया तो आपको पक्का दिखा दूं, दोस्त निकल आए। अभी फिलहाल हम लोग पहुंचे सैनिटेरियम और यहाँ पे लगा हुआ है बहुत खतरनाक जाम, हमारी गाड़ी से यहाँ पे खड़ी कर दी हमने, यहाँ पे बहस हो रही है थोड़ी बहुत। और यहाँ पे गाड़ियाँ पूरी इधर से आ रही है, इतनी तो तुम समझ नहीं रहे, तुम एक बार समझ के देखो, ये गाड़ियाँ लगी हैं हमें इस पुलिया के पार, कूल डाउन था, कूल डाउन यहाँ भी तो कोई चीज होगी लगाने के लिए, अभी तो कोई इसके पीछे पहुंचे थे यहाँ पे, तो ये लोग बोल रहे हैं यहाँ से दूसरी गाड़ी में जाना पड़ेगा, यहाँ से गाड़ियाँ लगी है भैया कैसे काम के लिए, इधर भी लगी क्या, क्या मोड़ेंगे कैसे गाड़ी, अभी आ रही है एक ही खड़ी है, पांच दस आ जाएंगे, इनने क्यों लगा रखी इनने, ये तो ये इनकी गाड़ी है, ये किसी ना लगाने करके हमारी प्राइवेट गाड़ी लगाई हमने, क्योंकि हम यहीं पर है, तुम चले जाओगे हम गाड़ी कैसे पैक कराएंगे, हमारी है कहाँ, पार्किंग में नहीं लगी थी पार्किंग, ये भैया आगे को ये शटल से वहां से मुड़ेगी गाड़ियां, वहां लगा लो आपने साइड पे, पीछे ला लो, पीछे ला लो, कहाँ पे जा, पीछे ले जाओ या उधर ले जाओ आगे, मैं तो इसमें फूला मेरा पूरा, अबे लेडी बैग पर हाथ मेरे को था, अंशु को दे दो, अंशु को इसने लाया है, बैग लेके आएंगे अंशु वाला फंडे। सो गाइस तुम, मैं अपने जूते यहीं पे छोड़ रहा हूं और हम लोग, हां मैं और दांतो चप्पल में, बाकी सब लोग है शूज में, अबे मेरा तेरे हाथ में माही को उठाना है, कपड़े तो माही दिखा लेके आए बैग, तो गाइस सेम ना लेडीज बैग।
मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं तो पहले बताऊँ। ये फोड़ दे। क्या हो गया? बुरा लग गया। नहीं है क्या? तो यहाँ पे तो सख्त मना कर रखा है आगे जाने के लिए। तो दो गाड़ियाँ जाएं भी पूछो दादा, किसी को पसंद नहीं दिखा रहे लोग। आपने खाली कहाँ फोन करोगे, आपने किया ही नहीं। बहुत ही तगड़ी कानूनी व्यवस्था यहाँ पे, कुछ तो बोल दो। अब मैं ये चाहूंगा नैनीताल पुलिस का हार्दिक अभिनंदन। बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी पुलिस यहाँ, उत्तराखंड पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। हमको नहीं आने देंगे। लोकल की गाड़ियाँ हमारी दो गाड़ियाँ पहले जा चुकी है, 36 जीरो वहाँ लग जाता है जाम। तो हमारी गाड़ी तो जानी दी नहीं इन्होंने, तो हम लोग इस गाड़ी में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे परमिट लगा हुआ है। इस वाली गाड़ी में जा रहे हैं यार। सो गाइस, तो हमारी गाड़ी तो जाने दी नहीं, तो हम बैठे हैं इसको आने दिया देख। अरे ये तो इसको तो एक को तो आने दिया, एचआर लेवल आगे देख, एचआर वाले को तो आने दे दिया क्या? हां इसको तो जाने दिया ये। अरे सैमदा सैमदा इसको तो जाने दिया, एचआर की दो गाड़ियां गई अभी। अबे इनको कैसे जान दिया? एक यूके 4 वही देख रहा है, इनको कैसे जान दिया इन लोगों ने? यूके 04 भी गई अभी एक। अरे ये कैसे अंदर तो लोकल के हमारे तो तुम गाड़ी दुकान लेकर आओ, तुम वहाँ अरे वो तेरा मैं माल नहीं, उसको सही से बंद कर लो। क्या बोल रहा है? तो हमारी गाड़ी तो जाए थी नहीं, तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी पार्किंग में और हम लोग बैठे सुमो गोल्ड में। और सैम तो मछला था आगे बैठे और अच्छे था यहाँ पे आना। लोकल गाड़ी है, लोकल तो हमारी भी नहीं, पता नहीं क्या सिस्टम बैठा रखा है इन्होंने, समझ ही नहीं आ रहा है। बट कोई नहीं, बालकनी के मजे ले रहे हैं हम लोग, सिस्टम हैंग हो गया। तो आगे मिलते फिर आपसे। हमें लोकल के बंदों को गाड़ी नहीं दे रहे हो, इनको रामगढ़ रोड में जाना है। रामगढ़ सर झूठ बोलकर तो सब जा रहे हैं रामगढ़, हम भी झूठ बोलकर सब देख सकते कि हम लोकल के हमारे भंडारे था हमें रोका बात करा दी तो सीधा हमने बात करा। अरे वहां का रोड एक्सपायर रोड था भाई, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं सर ये एचआर वाले जा रहे हैं, मैंने लोकल वाले को गाड़ी खड़ी करने वाले बताओ जी, ये क्या भारत के लोग नहीं है? तो हम नहीं है क्या? हम भी तो लोकल के थे, हम तो लोकल के ही हैं। वो आज भी बता रहा है कि मेरा फला जगह पे अपना घर है, होम स्टे है हमारा वहाँ सर, वो कल सुबह स्टॉल है वहाँ बाहर हमारे भी बंद पहले तो खड़े थे हमें रोका आ जाओ थोड़ा सर। कोई आदमी की चीज देखना है समस्या, कोई बीमार है उसका देखना है, मनाली सर मनाली तो गाइस यहाँ पे तो बहुत सख्ता ही हो रही है, स्कूटी बाइक वालों को भी साइड पर पुलिस वालों को नाम सही देना, बाइक वाले आज लोग ट्रैक करो ना सबको जी। स्कूटी बाइक वालों की पार्किंग यहाँ पे है और बाकी हम तो टैक्सी में जा रहे हैं और यहाँ पे बंद भाई रात के 2:30 बजे आने और भीड़ चेक करो से भी नीचे। तो हम लोग पहुंचे अभी कैची धाम से 1 किलोमीटर दूर और गाड़ी की सेवा बस यहीं तक है, यहाँ से 1 किलोमीटर का पैच पैदल कवर करना और कैची धाम में बस यही एस यही गाड़ियाँ आ रही थी जिनमें ये लग रखा है। क्या बोलते थे? और गाइस यहाँ पे बस यही गाड़ियाँ आ रही, टैक्सी गाड़ी जिनमें ये पैम्पलेट लगा है जिन्होंने मतलब 50 रुपए प्रति सवारी वही ये सटल सेवा। सटल सेवा किस बात की? हाँ वैसे पैसे तो ले रहे हैं पूरे, हमसे कहा गया फ्री में चलेंगे। हाँ हमसे दादा सुबह जल्दी करो भाई, दादा सुबह
तो हमारी पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और अभी तो फिलहाल 100 मीटर ही आया है। सिस्टम देखो कैसे कर रखा हमने, ये भाई दिखना भी तो है, अंधेरा हो गया भाई। इधर देखो, अच्छा था 1.5 किलोमीटर की यात्रा है गाइस, डेढ़ है एक, अच्छा डेढ़, अच्छा बहुत अंधेरा है यार, रास्ते में कुछ दिख रहा नहीं है, फ्लैश की वजह से थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाकी ऐसे करूंगा तो देखो पूरा अंधेरा। चलो कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो भाई भक्ति लोग ऐसे भी आते हैं। सो गाइस, तो यहाँ से देखो कैसा दिख रहा है पूरा कैची धाम मंदिर, अभी तो अच्छे दिख रहा नहीं, आगे से दिखाएंगे आपको, बट भाई तगड़ा लग रहा है ना एकदम। लाइटिंग देखो एक बार, ये देखो गाइस कैची धाम मंदिर पूरा चल रहा है, और बाकी हम सब लोग यहाँ पे। हेलो हेलो साहब, हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वो मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी ऐसे नहाते ना, ऐसा मत बोल दो भाई, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है यार, कसम से ना मजा ही आ गया देखकर। एक चीज दिखाऊं आपको, ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ ना, मतलब जन्नत जन्नत, ये चेक करो भाई, भाई साहब इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा ना क्या बताऊं आपको। ये देखो यहाँ से पूरा शुरू होके क्या मस्त लग रहा है, कैसा लग रहा है फिलहाल, कैसा लग रहा है? अरे बहुत मस्त, मजा आ गया जबरदस्त, जो वॉक है ना मजा आ गया, पैदल वॉक में मजा आ गया, बहुत टाइम से वॉक नहीं किया था, 4-5 सालों से आज मौका मिल गया बाबा जी, जाऊं हेलो करते हैं, ये चेक करो। सो गाइस, तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बाबा कैची धाम जी के मंदिर पे, और व्यू तो भाई एक नंबर आ रहा है। तो अभी चल रहे पैदल पैदल, और हमारे कैमरामैन आज बने हैं कौन, हमारे ईमान सुधा और ये चेक करो। तो अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से, और अब डायरेक्ट मिलते हैं आपको नीचे पे पहुँचने के बाद मंदिर के पास। गाइस, तभी बज चुके सुबह के 3:30 और हम लोग फाइनली पहुंच चुके कैची धाम, और ये देखो यहाँ के नजारे, मतलब ना कैसे बैठे हैं हम लोग, कैसे बैठे हो, मजाक बना रहे हैं। क्या हो गया सामने, आप हर जगह ऐसा क्या करते हो, मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। सैम दाने का सैम दा भाई सिस्टम हैंग कर देते हैं यहाँ पे, देखो सब बोर निजरा में सब इसकी स्टोरी, सोन चढ़ी का जो भी गाना आया था ना, हिमांशु भाई बता देंगे उसके बारे। अरे हिमांशु दा, बड़ा डिटेल में हिमांशु दा, अरे गरुड़ गा रहती थी, गरुड़ गा रहती थी, नाच रहा की थी वो, तुम अभी बच्चे हो हिमांशु दा, सोन चढ़ी वाली कहानी तो सुना दो, अभी बता भाई कहां से निकली थी, क्या थी, क्या था सिस्टम उसका, गरुड़ गरुड़ गा रहता था, बताओ तो सही, गरुड़ नाचू लगा था, जय गरुड़ देवता की, सैम गरुड़ देव हमारे क्या कहते हैं भगवान विष्णु के वो थे, क्या कहते हैं वाहन थे, और जो आप हमें बता रहे थे आगे कहानी बताऊंगा, अभी मेरे को नींद लग रही है अभी फिलहाल। चलो आप सो जाओ, आराम से सो जाओ, हम लोग भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं दर्शन करने के लिए।
सो गाइस तो हम लोगों ने भी लगा लिए लाइन, अभी जा रहे हैं आगे। हे गाइस लाइन में बैंड पे से बड़ी हमारी भीड़ चेक करो, बहुत सारी मेरी हमारे और मेंबर का हैं। हेलो 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 दा, बढ़िया 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 बढ़िया, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। अरे माजिला था कहाँ के? माजिला आपका खो गया। गाइस न्यू कंटेंट मिल गया, माजिला था गुम हुए। चलें और मेन इधर दिखो, सेंटा के कारनामे अपनी छोटी बहन का बैग उठा के ला रखे है। कहाँ गए भाई साहब, ये चेक करो भाई, ये तो अलग ही लेवल की फोटो फोटो तो ले सकते हैं। अभी फिलहाल सुबह के 4 बज चुके हैं और आप भीड़ देखो, लाइन लग चुकी है और हम लोग कहाँ पे हैं? तो गाइस इतने दूर और हमारे पीछे भी है लाइन, ये थोड़ी बहुत ही है, बाकी असली तो यहाँ पे है भाई। ऊपर अंदर सकता है। सो गाइस तो यार स्टार्ट हो चुकी है, अभी घंटी बजी है 4 बजे। सर चप्पल उतारने का सिस्टम बिठा रहे हैं। अरे भैया थोड़ा ये सेटिंग देखो भाई, हमने अपने शूज वगैरह सब यहाँ पे रख दिए, चप्पल भी, और अब जा रहे हैं अंदर, लाइन में लग गए हैं। लाइन में सो गाइस तो हम लोग लग चुके हैं यहाँ पे लाइन में, और लाइन तो भाई इतनी लंबी है पूरे आगे तक है वहाँ पे तक, और हमारे पीछे भी लाइन लग चुकी है काफ़ी लंबी। तो क्या रुक रहे हैं थोड़ा, अभी आरती शुरू हो गई। बड़े दयालु जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हेल तो उतरे तो तो गाइस तो यहाँ पे लाइन में लगे लगे रात से हो चुकी है हमें सुबह, और अभी तक भी हमारा नंबर नहीं आया है, तो अभी अपना अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और लगे लाइन में पीछे देखो भाई लाखों की भीड़ है, पूरे लाखों की, और हालत ही ख़राब हो गई खड़े खड़े कसम से। भाई एक बंदा इनमें से कोई है बंदा, हम लोग लाइन में फंस गए, पुलिस वाला ऐसा भी हो रहा है, दर्शन करने के लिए कब से रुके हम लोग, मतलब 3 बजे से 6-7 बज गए, और जैसे ही हमारी बारी है पुलिस वाला बोल रहा है वही दास से बोल रहे हैं रुक जाओ, हमसे बोले तू निकल, ये क्या बात हुई यार, ऐसा हो जा रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, जो मेरे को ये मेन गेट के आगे पहुंच चुके हैं, तो अभी बस दर्शन करना बाकी, फिर हम निकलते हैं यहाँ से, पहले मुझे लग रहा है आधा घंटा और लगने वाला दर्शन करने में। और इधर साइड भी बहुत लंबी लाइन है पूरा पीछे तक, मतलब भाई इतनी भीड़। तो भाई हम लोग फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं, बाबा जी का प्रसाद, बाबा जी का प्रसाद भी मिल चुका है, और हमारे मिला हमें अंदर मिलके बाबा, हमारी टीम के बाकी मेंबर्स आगे पे चल रहे हैं। भाई पैरों ने जवाब दे दिया कसम से, पैर देखो मेरे कैसे हो गए वाइट, मिट्टी मिट्टी लग गई पूरी रोड में,
पैर ऐसे दर्द हो रहा है, चला ही जा रहा। तो रास्ते में पत्थर थे, पत्थर छुट गया पैर में, इसके चक्कर में मेरी गाड़ी गिरता रही। और तुम्हारे भाई की किस्मत देखो, आपको कितना मिला? एक पैकेट मिला इन्हें, और तुम्हारे भाई को दो पैकेट मिला है। ये भी किस्मत होती है, किस्मत ही है अभी। तो चलते हैं फिर अब यहाँ से, और अब पैर में बहुत दर्द हो रहा है तो अपने चप्पल ढूंढते, पहले हमने चप्पल आगे ऊपर रखे थे वो है कि पता नहीं अभी तक, तो फटाफट से चलते हैं और चप्पल ढूंढते हैं। पहले तो दोबारा से पहुंच चुके हैं अपनी पुरानी लोकेशन में, और चप्पल मिल गए हमें, प्रशांत राकेश मुझे मिल गए। पीछे से आ रहा है कौन आ रहा है? और भाई यहाँ पे लाइन देखो, एक टाइम पे हम भी यहाँ पे खड़े थे रात को, बार दर्शन कर लिए हमने। अरे वो है अभी खींचते हैं, अपना ही प्रसाद निकल गया, अब हालत खराब हो गया यार। लाइन देखो, लेकिन इतनी लंबी लाइन, और लाइन उधर पे भी है, उधर साइड उधर से भी आ रही लाइन। अरे अभी हाथ मेरा धुरे यार, क्या हो गया? पैर दर्द तो नहीं हो गया ज्यादा? कौन दर्द हो गया? हां बैठते आ रहा हूं, बैठते हैं। हाँ बहुत खराब हो गई, चलो ये होगा इस मंदिर से इतने दूर भी यहाँ पे लाइन लगी है। मंदिर से कम 100 मीटर या 200 मीटर दूर होगी जगह, मार्केट है, यहाँ पे तक भी लाइन लगी है, और इससे दूर ऊपर टॉप में वहाँ भी लाइन लगी है। मंदिर से करीब करीब 1 किलोमीटर दूर, इतना लंबा जाम, इतना लंबा जाम भाई साहब, 1 किलोमीटर दूर होगा मंदिर से, तो आए 1 किलोमीटर दूर होगा मंदिर से। हाँ हो गई है भाई साहब, 1 किलोमीटर दूर तक जाम लगा, और अभी तो खत्म ही नहीं हो रहा है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है ना। अगर तो वो तो सही हुआ हम रात 12 बजे निकले घर से, तो ठीक टाइम पे पहुँच गए, वरना तो दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। नीचे देखो भाई, नीचे पे है मंदिर, और यहाँ पे भी जाम लगा, यहाँ पे लोग हैं, और वो जाम पूरा घूम के यहाँ पे तक, इतनी लंबी, इतना लंबा जाम पूरा बैंक, और भी ऊपर तक अभी तो। फिलहाल 1 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग मुझे होटल में थोड़ा चाय पीने के लिए, और चाय तो पी ली है, जितनी सी बची है बाकी दाल लोगों ने पी ली। और भाई इतनी थकान हो गई थी ना, अभी याद आया ब्लॉग बनाने का, थोड़ा ब्लॉग कंटिन्यू कर लिया, और अब ब्लॉग कंटिन्यू करता थोड़ा आगे पे, थोड़ा आगे पे जाने के बाद वही पुराने टैक्सी वाले को ढूंढते हैं और उससे निकलते हैं। भाई तो जहाँ से हमने आगे पैदल चलना शुरू किया था यहाँ पे तक जाम लगा, इतना लंबा जाम लगा है, बैठ रहे इसमें आओ, यहीं से हमने बैठना शुरू किया था, हम लोग बैठे बस में, और गाड़ी तो हमें मिली नहीं, बैठे ग्राफिक बस में, और इसी में हम लोग जा रहे हैं भवाली तक, और इससे हम लोग आगे बैठे हैं। हेलो दम, क्या कैसा लग रहा है? भाई सो गए बहुत ज़्यादा, नींद तो आ रही, बट क्या करें, सोना नहीं है, अपना ब्लॉग कैसे बनेगा? फिलहाल बैठे हैं बस में, बहुत भीड़ है भाई साहब, ये देखो। तो चलो कोई नहीं, हमें तो सीट मिल गई, बैठ के मोहाली तक जाते हैं, उसके बाद गाड़ी लेके चलेंगे वापस। फिर फिलहाल हम लोग उतर चुके बस से बाहर, बस तो ज़्यादा दूर गई नहीं, बस गई बस मोहाली तक, तो बस तो भीमताल जा रही थी, तो बस ने हमें मोहाली में उतार दिया, और हम लोग पैदल चल रहे भाई मोहाली की सड़कों पे। ये हम लोग आए थे स्कॉर्पियो में, अब जा रहे हैं भाई साहब, बैठो बैठो गाइस। तो अभी फिलहाल हम लोग पटक रहे हैं भवाली की सड़कों में टैक्सी में, और मेरा फ़ोन तो डेड हो गया, तो अभी मैं मानसूदा के फ़ोन से ब्लॉक कर रहा हूँ। तो सहमदा लोग तो दूसरी टैक्सी में निकल गए आगे, बट वो छोटी कार थी तो उसमें जगह नहीं हुई, तो हम लोग दूसरी टैक्सी में जा रहे हैं, और गाड़ी यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूर, तो फटफट से गाड़ी उठाते हैं और निकल चुके हैं। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं स्कॉर्पियो में, और हम निकल रहे हैं हल्द्वानी के लिए। भाई इतनी गाड़ियाँ बदली है ना कि मत पूछो, बट आखिरकार जा रहे हैं सीधे हल्द्वानी। और टाइम बताओ तो एक बार, 7:46, और भाई 12 बजे निकले थे हम, 7:46 हुए, मतलब 7-8 घंटे में रिटर्न हो गए हैं, और 11 वही पहुँचेंगे, 9 बजे आई थिंक 9 बजे पहुँचेंगे। तो अब से घर पे पहुँच के मिलता हूँ आपको, बहुत थकान हो गई है, रात भर सोया भी नहीं हूँ, तो दिक्कत भी बहुत हो रही है, तो चलो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में।
वेलकम बैक इन द सेम व्लॉग। तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं घर पे और अभी टाइम हो रहा है फिलहाल सुबह के 9:30 और मैं निकला था यहाँ से रात 12 बजे, मतलब 12:10-15 के करीब निकले थे और 9:30 में घर पहुंच गया हूं। और भाई काफ़ी थक गया हूं, रात बस सोया भी नहीं और गाड़ी में थोड़ी झपकी आई थी, उसके बाद नींद खुल गई। तो अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना भाई, शेयर करना, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है। ओके बाय बाय। साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।